माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। मेरा नाम है रवि कुमार, वेलकम टू एक्यूरेट इन्फो बाय रवि। आज मैं यार आपके सामने एक ऐसी बात करना चाहता हूँ कि यार जिंदगी में अगर आप किसी की हेल्प करते हो और हेल्प के बाद आपको ऐसा सिला मिलता है तो यार आप जिंदगी में हेल्प करने का कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह से ही कुछ केस, ऐसी घटना मुझे देखने को मिली कि किसी बाबा के ढाबे पर जो मालवीय नगर में है, उसने 20 सालों से वो ढाबा चल रहा है, जो बाबा का ढाबा जो चल रहा है उसकी किसी ने हेल्प नहीं करी। एक ऐसे स्वाद ऑफिशियल जो गौरव सर है, उन्होंने जाके उसकी हेल्प करी और जो हेल्प हुई बहुत ज़्यादा हुई। अब जिस बंदे ने जिसकी हेल्प करी, अब वो हेल्प करने वाला बंदा ही जो गौरव सर और स्वाद ऑफिशियल के ऊपर जो केस कर रहा है, यार ये कहाँ की इंसानियत है। अगर आप एक चीज़ देखो, अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अगर आप उसकी हेल्प कर रहे हो, अगर वही आपको स्कोल करने लग जाए या आपको कुछ आपका इल्जाम लगाने लग जाए तो आपको क्या फील होगा और देश में क्या मैसेज जाएगा? आपको क्या लगता है कि आगे से कोई ऐसा यूट्यूबर आप किसी की हेल्प करेगा? आगे से इंसानियत के नाम पर कोई किसी को हेल्प करेगा? क्योंकि एक अच्छा एग्जाम्पल देने की बजाय बैड एग्जाम्पल होता जा रहा है। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, आप कमेंट्स में मुझे करना यार, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। क्योंकि आप ये जो दुनिया में चल रहा है, जो इस बाबा की ढाबे के ऊपर जो चल रही है, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या चल रहा है, खैर मुझे इतना कुछ तो पता नहीं, लेकिन जो मैं मीडिया में देख रहा था उसी हिसाब से आपके सामने कुछ बातें पेश करना चाहता हूँ। देखो यार, किसी की हेल्प हो गई, उस हेल्प से उस आदमी का अच्छा खासा जीवन चल सकता है, अच्छे खासे कस्टमर आ रहे हैं, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। अब उस बाबा के ढाबे ने जो उनके ओनर है कांता प्रसाद जी, कांता प्रसाद जी को क्या है कि वो दूसरे यूट्यूबर के कहने पर या किसी दूसरों के सुनने पर उस गौरव के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उसने इतना कमा लिया उतने। भाई उसका प्रोफेशन है, वो एक फूड ब्लॉगर है। अगर आप उसने आपकी हेल्प करी, ऐसा नहीं है कि आपने, अगर आपको हेल्प करने के लिए कोई आता तो 20 साल पहले भी आपकी कोई हेल्प कर देता। 20 साल से आप उधर बाबा का ढाबा डाम चला रहे हो, कोई किसी ने हेल्प नहीं करी। जब कोई बंदा फरिश्ता बन के आपके लिए आया, आपकी हेल्प करी, अब उसी फरिश्ते को आप ऐसे बोलो कि ये चोर बंदा है, इसने हमारे साथ फ्रॉड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन आपने पिछली जिंदगी नहीं देखी जो आप कितना कमा रहे थे और आज कितना कमा रहे हो, आपकी कितनी हेल्प हो गई, फिनेंशियली स्टेबल हो गए, आप अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो, ये नहीं देख रहे हैं और आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। सो दुनिया में इस तरह के एग्जाम्पल देने से मुझे ये लगता है कि आगे से अगर ऐसा कुछ चलता रहा तो आगे से कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, खास तौर से जिसको जरूरत है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको हेल्प की जरूरत है। अगर ऐसे कोई हेल्प करके उसका रिजल्ट ये आता है तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई आदमी अब दूसरी हेल्प करने के लिए रेडी होगा। अगर मैं आपसे हमने एक बात करना चाहता हूं कि अगर आपने किसी को कुछ पैसे फिनेंशियली स्टेबल कर दिए तो वो बंदा फिनेंशियली स्टेबल होने के बाद अगर आपने उसको कुछ और, मीन्स उसकी एग्जाम्पल के तौर पे मैं बनाना चाहता हूँ आपको कि अगर आप रास्ते में जा रहे हो, कोई फूड सेलर है या कोई वेंडर है, कोई स्मॉल शॉप का ओनर है, उसको कुछ डिफिकल्टीज आ रही है, अगर आपने सडनली उसको इतना पैसा दे दिया कि उसका रूटीन अच्छे से चलने लग गया, उसको स्किल दे दी, तो आपके हेल्प का कोई फायदा है? अगर उसको आपको थोड़ा ज़्यादा मिल गया तो उसकी, जो कहने का मतलब, अगर कोई फूड सेलर को आपने 10 लाख रुपए दे दिए या 5 लाख रुपए दे दिए तो वो काम नहीं करेगा, फिर उसकी सोच एकदम बदल जाएगी। क्योंकि एक लिमिट होती है हर इंसान की। अगर कहने का मतलब, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर 100 रुपये कमाता हूँ, अगर मेरे को आज सडनली 1 करोड़ आ जाए तो मुझे नहीं पता लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है उस पैसों का। सो हेल्प के नाम पर उस तरह से हेल्प हो जिस तरह से गौरव सर ने करी है, और इस तरह से मेरी उम्मीद है कि इस तरह से ही आप लोगों की हेल्प होनी चाहिए और ये जो भरोसा है हेल्प करने का, ये हमेशा बरकरार रहना चाहिए। कोई कंट्रोवर्सी, कोई क्रिटिसिज्म कुछ नहीं होना चाहिए। अब देखो यार, किसी बंदे को अगर स्टूडेंट है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर जाना चाहता हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आपको पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ट्यूशन लेने में दिक्कत आ रही है, कॉलेज की फीस लेने में दिक्कत, अगर कोई व्यक्ति उस स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है तो उसके लिए बहुत ही एक वरदान है। अब आप सोचो कि यार उस स्टूडेंट को अभी हम
10 लाख रुपया दे दें तो उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी? नहीं होगी भाई। अगर इन पैसों से ऐसा हो जाए तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने सेटल हो सकता है, लेकिन उसकी लाइफ सेटल नहीं हो सकती। सो हमें क्या करना चाहिए, जिस हिसाब से बाबा के ढाबे की हेल्प हुई है उस तरह से दुनिया में बहुत सारे बाबा के ढाबे, बहुत सारे दूसरे लोग हैं, तो ये पैसा अगर हम थोड़े थोड़े में करके देंगे तो उनकी स्किल, उनकी लाइफ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब बाबा के सब गौरव सर पर ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं यार गौरव सर को क्रिटिसाइज? उसने हेल्प करी, उसका फायदा हुआ, उस बंदे को फायदा हुआ, बाबा के ढाबे को फायदा हुआ, अब उसका ही करियर आप स्पॉइल करने में लगे हो, ऐसा खा तो मेरे हिसाब से यूट्यूब से भरोसा उठ जाएगा अगर इस तरह से क्रिटिसाइज आप लोगों को करते रहे। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, कोई किसी की हेल्प कर रहा है, हेल्प हो गई इज इनफ। अब आगे की फ्यूचर फर्दर पॉजिटिविटी के ऊपर देखें तो किस बात के ऊपर ये क्रिटिसिज्म चल रहा है कि मैं बहुत अपसेट था, कि मैं इस मैसेज को देख के ये इतना अपसेट हूँ कि आगे से क्या होगा हेल्प? अगर किसी को रियलिटी में हेल्प है, कोई यूट्यूबर, कोई सोशल इन्फ्लुएंसर कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर हेल्प हो गई और कुछ ऐसा हो गया तो मुझे ही अपने ऊपर क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा, क्रिटिसाइज होना पड़ेगा, तो कोई हेल्प नहीं करेगा। सो मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी है अब इस केस को यहीं हो जाना चाहिए। गौरव सर अपने राइट पर बहुत ही सॉलिड आदमी है, उन्होंने इतनी हेल्प करी लोगों की और आगे करते रहेंगे, तो इस हिसाब से गौरव सर को सपोर्ट करा जाए, उनके चैनल को सपोर्ट करा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।